इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले कुल ऐसे तीन प्लेयर हैं जिन्हें कंफर्म रिलीज कर सकती है। जी हाँ, ये रिलीज इतनी ऐतिहासिक होने वाली है कि सारे क्रिकेट जगत के फैंस को बिल्कुल सदमे में डाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीबीसी क्रिकेट पर। 15 नवंबर 2022 से पहले हर एक आईपीएल की फ्रेंचाइज अपनी अपनी रिटेन लिस्ट और साथ ही रिलीज लिस्ट बीसीसीआई को सौंपने वाली है। लेकिन उससे पहले ही हम आज इसी वीडियो में जानेंगे मुंबई इंडियंस के वो कौन से प्लेयर हैं जिन्हें इस बार मुंबई इंडियंस ऐतिहासिक रिलीज कर सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा हिंट जरूर देना चाहेंगे कि ये जो तीन प्लेयर हैं ये सारे विदेशी ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए सीधे शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्लेयर के बारे में। जी हाँ, वो प्लेयर और कोई नहीं बल्कि लगातार 12 साल मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले उनके बेहतरीन ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड है। कायरन पोलार्ड का पिछले 2-3 सालों से प्रदर्शन मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही खराब रहा है और साथ ही पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर ले चुके हैं और साथ ही उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसीलिए इस बार मुंबई इंडियंस ऑक्शन में एक नए ऑलराउंडर की तरफ आंख उठाकर जरूर देखेगी और एक नए और ताजा तरीन ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश जरूर करेगी। और ऐसे में मुंबई इंडियंस को थोड़ी पर्स की जरूरत होगी जो कि मिनी ऑक्शन में आईपीएल टीमों के पास होती नहीं है और इसीलिए मुंबई इंडियंस इस बार कायरन पोलार्ड को रिलीज कर 6 करोड़ की पर्स अपने हाथ में रखना चाहेगी। तो दोस्तों, यही थे वो वजह जिसके चलते मुंबई इंडियंस इस बार कायरन पोलार्ड को रिलीज कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर के बारे में जो कि एक ऑलराउंडर हैं और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेनियल सैम्स की। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डेनियल सैम्स अपने बिग बैश के प्रदर्शन को लेकर ही आईपीएल में दाखिल हुए थे। मुंबई इंडियंस में आने से पहले ही डेनियल सैम्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन फिर से वही कहानी आ जाती है कि बिग बैश के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें खरीदा तो जाता है लेकिन वो आईपीएल टीमों के लिए वही प्रदर्शन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। डेनियल सैम्स अपने गेंदों के साथ ही अच्छी खासी बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन गेंद और बल्ले दोनों के साथ ही बहुत ही निराशाजनक रहा है। पिछले आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से डेनियल सैम्स ने एक या फिर 2 मैचों में ही अच्छा खासा प्रदर्शन किया था लेकिन उसके बाद बाकी सारे मैचों में डेनियल सैम्स का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था और इसीलिए पिछले साल आईपीएल 2022 में 2.6 करोड़ की भारी राशि लेकर मुंबई इंडियंस में शामिल होने वाले डेनियल सैम्स को इस बार मुंबई इंडियंस की टीम रिलीज कर सकती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि मुंबई इंडियंस इस बार कोई दूसरा अच्छा ऑलराउंडर विकल्प की ओर देखेगी जिसके लिए उनके हाथ में पर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जो कि 2.6 करोड़ वो डेनियल सैम्स को रिलीज कर अपने साथ जरूर रखना चाहेगी। तो दोस्तों, ये तो थे वो 2 प्लेयर जिन्हें मुंबई इंडियंस इस बार रिलीज कर सकती है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्लेयर के बारे में जिसका रिलीज होना 100% श्योर है। जी हाँ, इंग्लिश तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स हैं वो तीसरे खिलाड़ी। जी हाँ, कुछ साल पहले टाइमल मिल्स आरसीबी के लिए 12.5 करोड़ रुपए में बिके थे लेकिन तब जब इतने पैसों में बिकने वाले टाइमल मिल्स की ओर से प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं आई थी उसके बाद हर एक साल आईपीएल में वो अनसोल्ड के अनसोल्ड जा रहे थे। लेकिन पिछले साल आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने विदेशी तेज गेंदबाजों की कमी के चलते टाइमल मिल्स को फिर से 1.5 करोड़ की भारी राशि देकर अपने टीम में शामिल तो किया था लेकिन आरसीबी की तरह ही मुंबई इंडियंस के लिए भी टाइमल मिल्स अपने राशि को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि टाइमल मिल्स हमेशा से ही एक इंजरी प्रोन प्लेयर रहे हैं और पिछले साल भी आईपीएल 2022 में कुछ मुकाबले खेलने के बाद ही वो इंजर्ड हो गए थे और आईपीएल से बाहर हो गए थे और उनके चोटिल होने के बाद ही मुंबई इंडियंस ने साउथ अफ्रीका से ट्रिस्टन स्टब्स को महज 20 लाख रुपए में ही अपनी टीम में शामिल किया था और इस बार ऐसा लगने लगा है कि मुंबई इंडियंस ट्रिस्टन स्टब्स के साथ ही जुड़ी रहेगी और टाइमल मिल्स को जरूर रिलीज कर देगी। तो दोस्तों, यही थे वो तीन प्लेयर जिन्हें इस बार मुंबई इंडियंस मिनी ऑक्शन से पहले जरूर रिलीज कर सकती है और इस रिलीज को हम इसीलिए ऐतिहासिक कह रहे हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम कभी भी अपने 3-3 बड़े विदेशी प्लेयर को एक ही साथ रिलीज करती नहीं पाई गई है।